कहा जा रहा है। सबसे पहले अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं तो घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। ये पूरे के पूरे हमारे नोट्स के पैकेज, जैसे यहाँ पर इधर देख सकते हैं आप लोग, पीजीटी मैथ का नोट्स है, पॉलिटिकल साइंस का नोट्स है, या इसके अलावा जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो या फिर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबके लिए नोट्स ऑल ओवर इंडिया में बाई कोरियर हमारे घर पर भेजे जाते हैं। आप लोग कभी भी ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं। आइए बात करते हैं उस आरटीआई के खुलासे की जिसके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक संसद का सत्र शुरू होने पर होती है। दूसरी बात, किस सेशन, किस आर्टिकल के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु राउंड टेबल मीटिंग यानी गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो दोस्तों, ये मांग करने वाला पंडित मोतीलाल नेहरू था, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। 1922 में उन्होंने मांग की और इसी के आधार पर 1930, 31 और 32 में अंग्रेजी सरकार ने तीन गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल मीटिंग बुलाई भी थे। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? आंसर है दोस्तों, 1936। वर्ष 1938 में क्रिप्स किस व्यक्ति ने व्यस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू 1938 में। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत यानी युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करेगी? तो दोस्तों, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन में यह कहा गया था। क्रिप्स मिशन 1942 को आया था। इसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अच्छे मित्र भी थे। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री, फिल्म इंडस्ट्री से नामित होने वाली पहली महिला राज्यसभा में नरगिस दत्त नाम होगा, सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की मम्मा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? पांच प्रकार से दोस्तों किया जा सकता है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? आंसर होगा 389। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव दोस्तों जुलाई 1946 में हुआ था। किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भारत में किसके पास है? प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति को। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश करके। भारत में कुल कितने हाईकोर्ट है दोस्तों? इंडिया में कुल 24 हाईकोर्ट है। 21 हाईकोर्ट के बाद 3 हाई कोर्ट नए जोड़े गए जिन्हें हम एमएमटी की थ्योरी से समझते हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। अब 24 टोटल हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, टेम्परेरी चेयरमैन चुना गया। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299, यानी जो टोटल सदस्य थे 389, उनमें से सिर्फ 299 ही मेंबर बचे, बाकी लोग जो थे वो संविधान सभा छोड़कर चले गए, जो पाकिस्तान के सदस्य थे, पाकिस्तान के हिस्से में आई। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में हैदराबाद के प्रतिनिधि या उसके राजा के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ढांचे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, दोनों से रिलेटेड चुनाव के जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट देखता है। बाकी जो चुनाव से रिलेटेड झगड़े हैं हमारे देश में, उन सबको देखने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है, ये ध्यान रहेंगे। पंच से लेकर के सरपंच, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, एमएलए हो या एमपी हो, राज्यसभा के हो या विधानसभा के हो, लोकसभा हो या विधान परिषद हो, सबके मामले इलेक्शन कमीशन देखता है। सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले चुनाव से संबंधित वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों जी वी मावलंकर था। जी वी मावलंकर, पूरा नाम पूछेंगे तो जी से बनेगा गणेश, वास वी से बनेगा वासुदेव, गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल था
1952 से 1957, क्योंकि यह पहली लोकसभा का कार्यकाल था। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जुलाई 1951 को इंडिया में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा। दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के तहत किसी स्टेट में लगाया जाता है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया। दोस्तों, सिटीजन एक्ट भारत में 1955 में बनाया गया था। 21वां क्वेश्चन, दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर देना है। ये मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए छोड़ा है, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आईक्यू का ध्यान देना है, दिमाग से सोच के आंसर देना है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी प्राइम मिनिस्टर बनने की मिनिमम एज आपने बतानी है, ये आप लोगों से यहाँ पूछा गया है। तो इसका आंसर आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे, जो साथी आंसर देंगे बड़ा अच्छा लगेगा। आंसर गलत हो या ठीक हो डज नॉट मैटर, उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करेंगे और मेहनत और प्रयास करना ही आप लोगों का काम है, बाकी हम सब आपके साथ हैं। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? इंटरनल गवर्नमेंट दोस्तों सितंबर 1946 में बनी। दोस्तों ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में। किसके आधार पर? क्रिप्स मिशन जो बना था युद्ध में हिस्सा लेने के लिए, भारतीयों को शामिल करवाने के लिए, जो क्रिप्स मिशन बना था 1942 में, उसके आधार पर कैबिनेट मिशन आया। और कैबिनेट मिशन में दो बातें थी, एक भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाई गई जिसका काम था भारत के लिए संविधान बनाना, और दूसरा भारतीयों के लिए इंटरनल गवर्नमेंट बनी जिसका काम था आने वाले समय में देश की सरकार चलाना, और अंतरिम सरकार का हेड दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग कब इंटरनल गवर्नमेंट में शामिल हुई? मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई दोस्तों अक्टूबर 1940। सितंबर में मुस्लिम लीग नहीं शामिल हुई थी जब बनी, तो ये एक महीने बाद अक्टूबर 1940 में इसमें शामिल हो गई। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई? दोस्तों 9 दिसंबर 1940 को क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? दोस्तों संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है वो 9 दिसंबर 1940 से 23 दिसंबर 1946 तक चला, यानी लगभग इसको आप देखते हो तो 14 दिन कह सकते हैं। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहले बैठक कब हुई? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 46 को थी, लेकिन आजादी के बाद पहली बैठक पूछेंगे तो 31 अक्टूबर 1947। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, पहली मीटिंग में 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के साथ साथ स्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अस्थायी अध्यक्ष पहली मीटिंग में 9 दिसंबर 1946 को चुना गया, तो स्थायी अध्यक्ष दूसरी मीटिंग में 11 दिसंबर 1946 को चुना गया, राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और डेट अगर पूछेंगे तो आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में देश में चुना गया था दोस्तों संविधान सभा के द्वारा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को 24 जनवरी 1950 को भंग कर दिया गया था, और इसके जो चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्हें भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट कर दिया गया था, नामित कर दिया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में दोस्तों। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन सिंह रहे 2004 से 14 तक, 10 साल तक। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी रहे। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कौन चुनता है? राष्ट्रपति। ध्यान रहे दोस्तों कैग का कार्यकाल 6 साल का होता है या 65 वर्ष होता है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को। नहीं दोस्तों ये आंसर आपको ठीक नहीं रहेगा, यहाँ भारतीय संविधान की आत्मा कहा, आत्मा या हृदय, यानी हार्ट एंड सोल कहा जाता है आर्टिकल 32 को, जो भारतीय
फंडामेंटल राइट्स का आखिरी मौलिक अधिकार है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कहते हैं, उसे आत्मा या हृदय कहा जाता है। लेकिन अगर आंसर हो कुंजी या मिरर, तो फिर आपका आंसर आएगा प्रस्तावना। ध्यान रखना इसका। केरल का उच्च न्यायालय कहां पर है? केरल हाईकोर्ट दोस्तों एर्नाकुलम में है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, यानी राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का काम राज्यों के एमएलए का होता है। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 545। पहले दोस्तों 552 हुआ करती थी, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें 545 कर दिया गया है। जो राज्यसभा की 250 होती थी उसे 245 कर दिया गया है। पीएम से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्री मोरारजी देसाई। दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान, संसद के सत्र आरंभ होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों यानी एमपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संघीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? दोस्तों सेंट्रल कैबिनेट से और काउंसिल से, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल से पहला व्यक्ति जिसने इस्तीफा दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो जनसंघ, आरएसएस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों के फाउंडर माने गए हैं एक जमाने में। दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जवाहरलाल नेहरू से मतभेद होने की वजह से इस्तीफा दे दिया था। भारत के संप्रेक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कैग। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं दोस्तों। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी, यूपी की पहले मुख्यमंत्री थी ये। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? पहले लोकसभा में दोस्तों सिर्फ 1874 ही उम्मीदवार थे, आज इनकी संख्या आप हजारों में देखते हो, क्योंकि आजकल लालच और स्वार्थ की राजनीति ज्यादा हावी है, हर कोई चाहता है कि वह मंत्री बने। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? पहले लॉ मिनिस्टर दोस्तों बी आर अम्बेडकर थे, ध्यान रखना है, पहले लॉ मिनिस्टर बी आर अंबेडकर थे। भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। अगर आज पूछें तो आज के कानून मंत्री दोस्तों रविशंकर प्रसाद जी हैं, रविशंकर प्रसाद जी हैं। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। एक ही मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले मंत्री के रूप में अमृत कौर थे। भारत की पहली महिला मंत्री भी यही थी सेंट्रल सरकार में। दादरा एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बॉम्बे हाई कोर्ट में आता है दोस्तों। सबसे लंबी अवधि तक केंद्रीय मंत्री, देखो पहले पूछा गया था एक ही विभाग का केंद्रीय मंत्री, तो वो राजकुमारी अमृत कौर थी। लेकिन सबसे लंबे समय तक मंत्री पद का कार्यभार देखेंगे दोस्तों तो बाबू जगजीवन राम के नाम था। 32 साल तक सेंटर में कैबिनेट रहे। बाबू जगजीवन राम देश के बड़े दलित नेता, कांग्रेस के नेता थे, और ये जो बाद में लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बनी मीरा कुमार, उसके पिताजी थे। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? लोकसभा के लिए दोस्तों मिनिमम एज पूछी गई है 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को नेशनल इमरजेंसी दोस्तों आर्टिकल 352 के तहत घोषणा होती है। भारत में 3 बार हो चुकी है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? एक प्रकार की सिंगल सिटीजनशिप है दोस्तों, और भारत में सिटीजनशिप इंग्लैंड से ली है। भारतीय संविधानता स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? 21 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान कितने भागों में बांटा गया है? 22 दोस्तों पार्ट पूछे गए हैं यहाँ। भारतीय संविधान के कितने पार्ट हैं? 22। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग सेंट्रल और स्टेट के बीच धन के बंटवारे की सलाह देता है। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? 3 आधार होते हैं दोस्तों, जन्म से, बाय बर्थ, वंशानुगत वंश के आधार पर, पंजीकरण, बाय रजिस्ट्रेशन। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक रिपब्लिक यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या लोकतांत्रिक गणतंत्र कहते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र भी और गणतंत्र भी है, यानी देश की जनता देश की सरकार भी चुनती है और देश की जनता देश के मुखिया को भी चुनती है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेवी कृपलानी।
स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेपी कृपलानी था, और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जो बना वो बना पट्टाभि सीतारमैया, जिसे 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव में हराया था। गांधी जी का सबसे खास व्यक्ति था ये। मूल संविधान में फंडामेंटल राइट की संख्या कितनी थी? 7 थी दोस्तों। अब पूछे जाएंगे तो 6 रह चुकी हैं। प्रॉपर्टी का जो अधिकार है उसको निकाल दिया गया है, जो आर्टिकल 31 में होता था, आजकल एक कानूनी अधिकार है जिसे 300 कै में रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? सोशलिस्ट और सेकुलर, यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? जम्मू कश्मीर के सबसे कम है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संरचनात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। दोस्तों अगर विधान परिषद की कम संख्या पूछी है तो जम्मू कश्मीर की, ज्यादा पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश की। वैसे पूछेंगे विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो दोस्तों 7 राज्यों में है। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? ब्रिटेन से दोस्तों हमने संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिलती है? डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया यानी अमेंडमेंट प्रोसेस किस देश के संविधान से ली गई है? साउथ अफ्रीका से। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में ये व्यवस्था है? आर्टिकल 368 के तहत देश के संविधान में संशोधन हो सकता है। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1971। पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब बना? 1951 में। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए अधिकतम, दोस्तों अधिकतम पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटिक्स में कोई मैक्सिमम आयु नहीं होती है, मिनिमम होती है, मरते दम तक कोई मैक्सिमम नहीं है। भारतीय राजनीति में कोई भी उम्र का व्यक्ति चलेगा, बड़ी उम्र की कोई कंडीशन यहाँ नहीं है। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया, स्वीकृत किया गया? दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, स्वीकृत और पास वास सब कुछ इसी में आएगा। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? 1985 में। देश में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई 1977 में आफ्टर एमरजेंसी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? संसदीय मामलों के मंत्री, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर के अंडर में। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों कम से कम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह किसने कहा? सरोजिनी नायडू द्वारा। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? केरल में 1957 में। किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा दोस्तों यूपी में है। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति तैयार करता है। भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था कहां से ली गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 में। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का होता है। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? महात्मा गांधी ने। संसद पर होने वाले खर्चों का पर नियंत्रण किसका रहता है? सीएजी कैग का। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन है? वीएस रमा देवी। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति किए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पांडिचेरी को किस भारतीय संघ में शामिल किया गया? कब किया गया? 1962। भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। कौन सी सभा जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो। पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? 5 में। क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? बिल्कुल है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारीलाल नंदा को। राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? नागौर से। डेट पूछेंगे तो 2 अक्टूबर 1959 में गांधी जी के बर्थडे पर। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए? 208।
मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था इसलिए। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और उसी लिए आप लोगों ने इसको बड़ा इंटरेस्ट से देखा है मुझे लगा है, और इसलिए काफी सारे बच्चे मुझे उम्मीद है इसके ऊपर कमेंट वगैरह करेंगे, साथियों के साथ शेयर करेंगे, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करें, आप लोग, आप लोगों के डाउट लिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नई वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।